चलिए भाई, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पर। मैं हूँ विकास सोमवंशी और एक बार फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं भाई नए सेशन में, जिसमें हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। सब मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी आ जाइए भाई। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, सभी लोग आ जाओ। एक बार शेयर कर दो वीडियो को और क्लास को लाइक कर दो भाई, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ सके। सभी लोग शेयर कर दीजिए भाई, ठीक है ना। तो चलिए भाई, हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने पर, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको लाइव क्लासेस मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिल जाएंगे। मेरा कोड है SVikas10, इसको यूज करिए और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी आप सभी लोगों को, ठीक है ना। ठीक है, विकास सोमवंशी मेरा नाम है। 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है मेरे पास। मेरे पढ़ाई के बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हो गए बेटा। मैं निश्चित तौर पर आपकी मदद कर पाऊंगा, ठीक है। सभी टॉप एजुकेटर की सारी क्लासेस कर सकते हैं, वीकली रिवीजन कर सकते हैं, डाउट क्लियरिंग क्लासेस कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज चलती रहेगी और सही गाइडेंस आपको मिलता रहेगा बेटा। समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बात करें तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप सभी लोगों को डाउनलोड करना है। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप सभी लोगों को डाउनलोड करना है। उसके बाद बैंक कैटेगरी में मेरा नाम सर्च करना है बेटा। तो विकास सोमवंशी मेरा नाम है, सर्च करिए और मुझे फॉलो कर लीजिए भाई। जैसे ही आप मुझे फॉलो करेंगे, मेरे द्वारा लगाई गई क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आगे बढ़ जाना है भाई, ठीक है ना। ठीक है, SSC, बैंक, रेलवे, जो भी आपका गोल हो सेलेक्ट करिए, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए। 12 महीने या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। मेरा कोड यूज करना है SVikas10, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी भाई, ठीक है। रेफरल कोड अप्लाई हो गया है, जरूर कर लीजिए। नॉर्मल से पेमेंट मेथड है, आराम से आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और बिल्कुल समझिए और बताइए आंसर क्या होने वाला है। सभी लोग पढ़िए, सभी लोग पढ़िए। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए समझिए और आंसर बताइए सभी लोग। कोडेड ब्लड रिलेशन, जी हाँ, कोडेड ब्लड रिलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं और के कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो जल्दी जल्दी बताओ भैया, सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ क्या आंसर होने वाले हैं सभी लोग। देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है। ए डी का ससुर है, ए डी का ससुर है। ध्यान से सुनिए सभी लोग, ध्यान से सुनिए यहाँ पर, सभी लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है। ए डी का ससुर है, तो ए एक मेल कैंडिडेट होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? एक ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए, एक मेल कैंडिडेट होना चाहिए। यहाँ पर देखो, ए के तुरंत आगे लगा है स्टार, स्टार का मतलब है वाइफ, इसका स्टार का मतलब है वाइफ। यहाँ पर यानी ए फीमेल है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि एक ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए, मेल कैंडिडेट होना चाहिए। क्लियर है? बात समझ में आ रही होगी। डॉलर, डॉलर का क्या मतलब है? फादर, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। ए के बाद यहाँ पर भी डॉलर लिखा हुआ है, ए के बाद यहाँ पर एट द रेट लिखा हुआ है, एट द रेट का मतलब है मदर, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद नन ऑफ दीज, तो चेक ही कर लेंगे, ठीक है। अब लिखा है ए डी का ससुर है। अब देखो यहाँ पर लिखा है ए और डी तो पास पास लिखे हुए हैं, ए और डी तो पास पास लिखे हैं, तो ससुर तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को, ठीक है ना। चलो एक बार हम लोग चेक करते हैं जरा, एक बार हम लोग चेक करते हैं जरा बेटा। ए डॉलर सी का क्या मतलब है भैया? डॉलर का क्या मतलब है? फादर, यानी ए इज द फादर ऑफ सी, ए इज द फादर ऑफ सी, ये हो गया। उसके बाद देख लो बेटा क्या बोला गया, एट द रेट, एट द रेट का क्या मतलब है बेटा? एट द रेट का मतलब है मदर, यानी सी इज द मदर ऑफ ई, सी इज द मदर ऑफ ई, ये हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद तुम्हारा क्या लिखा हैश, हैश का क्या मतलब है? हैश का क्या मतलब है बेटा? है शेष का क्या मतलब है भैया? सन है, इसका क्या मतलब है? सन। समझ में आ रहा है? ई इज द सन ऑफ डी, ई इज द सन ऑफ डी, तो ये डी हो गया, यानी डी इसका हस्बैंड हो गया। क्लियर है? अभी देख लो उसके बाद क्या बोला जा रहा है। डॉलर, डॉलर का मतलब है फादर, यानी डी इज द फादर ऑफ बी, डी इज द फादर ऑफ बी, ये हो गया।
आप देख लो भैया यहाँ पर ए डी का ससुर, ए डी का ससुर है कि नहीं है, साफ साफ आपको दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल सही जवाब है, सही क्लियर किया था हम लोगों ने। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा सभी लोग। सभी लोग जल्दी से पढ़िए, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। यहाँ पर आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ दिस। ठीक है, तो भैया इसका फिगर बना लीजिए भैया यहाँ पर, सभी लोग देख लो भैया स्टार स्टार का क्या मतलब है। स्टार स्टार का क्या मतलब है भैया, वाइफ। स्टार का क्या मतलब है वाइफ, तो क्या हो जाएगा, जी इज द वाइफ ऑफ, जी इज द वाइफ ऑफ टी, ये प्लस हो गया। उसके बाद देख लो क्या बोला जा रहा है, जी इज द वाइफ ऑफ टी, क्लियर है। उसके बाद तुम्हारा डॉलर, डॉलर का क्या मतलब है भैया, डॉलर का मतलब है फादर, डॉलर का मतलब है फादर, यानी टी इज द फादर ऑफ वाई, टी इज द फादर ऑफ वाई, क्लियर है। उसके बाद क्या लिखा है तुम्हारा एंड, एंड का क्या मतलब है भैया सिस्टर, एंड का क्या मतलब है सिस्टर, वाई इज द सिस्टर ऑफ आई, वाई इज द सिस्टर ऑफ आई, क्लियर है। आई इज द वाइफ ऑफ जे, आई इज द वाइफ ऑफ जे, ये हो गया है, तो ये मेल हो गया। बस अब इसमें देख लो कौन सा सही है, टी इज द मदर ऑफ आई, ये गलत है, जी इज द हस्बैंड ऑफ टी, जी इज द हस्बैंड ऑफ टी, ये भी गलत है, वाई इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जे, वाई द सिस्टर इन लॉ ऑफ जे, ये सही है, ऑप्शन नंबर थ्री बिल्कुल सही जवाब है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल सही जवाब है। मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को, कोई दिक्कत समस्या हो बिल्कुल मुझे कमेंट करिए, बताइए जल्दी से। चलिए भैया अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से बताइए बेटा, सभी लोग पढ़ो, सभी लोग पढ़ो, जल्दी जल्दी से बताओ बेटा। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, आपको ये बताना है, हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, क्लियर है। देखो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लो कैसे करना है, सभी लोग ध्यान से सुन लो, हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, ध्यान से देखो कैसे करना है। ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताई है, जब पहले वाले कैरेक्टर के बारे में बात हो रही हो देखो, तो राइट साइड से सॉल्व करते हैं, तो इधर से सॉल्व कर लेंगे बेटा। तो देखो स्टार, स्टार का क्या मतलब है वाइफ, तो ये वाइफ हो गई, और एंड, एंड का क्या मतलब है सिस्टर, और वाइफ की सिस्टर तो सिस्टर इन लॉ कहलाती है, नहीं कहलाती है, वाइफ की सिस्टर तो सिस्टर इन लॉ कहलाती है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल सही जवाब है। मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में आ रही होगी, ऑप्शन नंबर फोर विल बी द राइट आंसर, क्लियर है, ठीक है ना। चलिए भैया अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, सभी लोग पढ़िए, सभी लोग पढ़ो, जल्दी से पढ़ो बेटा।
है, चलो देख लो यहाँ पर क्या लिखा है। सी इज द सन इन लॉ ऑफ ए, सी इज द सन इन लॉ ऑफ ए, यहाँ पे सी जो है वो सन इन लॉ होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार, स्टार का मतलब तो वाइफ है, यहाँ पर फीमेल है इसलिए हमारा आंसर नहीं हो सकता। डॉलर, डॉलर का मतलब तो फादर है, चलो ठीक है, यहाँ पर मेल है। उसके बाद तुम्हारा एंड, एंड का क्या मतलब है, सिस्टर, यहाँ पर भी ये फीमेल है इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद हैश, हैश का मतलब है सन, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। और सी के बाद यहाँ डॉलर है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है सी जो है वो ए का दामाद है, हमें ये चेक करना है, ठीक है। सी जो है वो ए का दामाद है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे बेटा, ध्यान से देख लो, यहाँ पर ए और सी तो बिल्कुल पास पास लिखे हैं इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्लियर है। यहाँ पर चेक कर लो भाई, अच्छा ये भी नहीं हो सकता। अब देखो सी ए का दामाद है, तो देखो चेक करो भाई, सी ए का दामाद है, देखो ध्यान से। एंड, एंड का क्या मतलब है, एंड का मतलब है सिस्टर, ये सिस्टर हो गई इसकी, ठीक है, ये सिस्टर हो गई। और तुम्हारा एट द रेट, एट द रेट क्या, सिस्टर की मदर, सिस्टर की मदर, तो मदर हो गई। फिर मदर का सन, मदर का सन तो भाई होता है ना भैया, तो ये तो आंसर नहीं होगा। जब ऊपर वाले चार गलत हो गए तो ऑप्शन नंबर 5 निश्चित तौर पर सही होगा कि नहीं होगा, उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों। बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए समझिए और बताइए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़िए समझिए और बताइए आंसर क्या होने वाला है। सभी लोग पढ़िए, सभी लोग बताइए भैया। चलो जल्दी से पढ़ो, जल्दी से बताओ बेटा क्या आंसर होने वाला है। क्या लिखा है ध्यान से देखो, यहाँ पर पहले हमें फिगर बनाना पड़ेगा, ध्यान से देखो बेटा क्या लिखा है तुम्हारा। हाउ एन इज रिलेटेड टू ओ, हाउ एन इज रिलेटेड टू ओ, तो इधर राइट साइड से स्टार करेंगे, स्टार, डॉलर, डॉलर का क्या मतलब है भैया, फादर, तो ये फादर हो गया। स्टार, स्टार का क्या मतलब है भैया, वाइफ, तो फादर की वाइफ तो मदर हो गई। उसके बाद एंड, एंड का क्या मतलब है, सिस्टर, एंड का क्या मतलब है, सिस्टर, मदर की सिस्टर तो आंट होती है ना भैया, मदर की सिस्टर तो आंट होती है ना भैया, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, क्लियर है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को, क्लियर है ना, बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए भैया अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए समझिए और आंसर बताइए भैया सभी लोग। ठीक है चलो यहाँ पर क्या बताना है, हाउ वी इज रिलेटेड टू एक्स, हाउ वी इज रिलेटेड टू एक्स, ये रहा वी, ये रहा एक्स, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर एंड, एंड का क्या मतलब है बेटा, एंड का क्या मतलब है सिस्टर, जो ऐसे लिख देंगे सिस्टर ऊपर। उसके बाद सिस्टर, ये परसेंटेज का मतलब हो गया मदर, तो सिस्टर की मदर कौन हो गई भैया, मदर हो गई। उसके बाद हैश, हैश का, और मदर की डॉटर, मदर की डॉटर तो सिस्टर हुई ना, इसका मतलब है वी सिस्टर है एक्स की, सिस्टर तो है ही नहीं ऑप्शन में, क्या गलत पढ़ लिया मैंने भाई, ध्यान से देखो। चलो एंड, एंड का क्या मतलब है भैया, एंड का मतलब है सिस्टर, तो ये सिस्टर हो गई, ठीक है। फिर सिस्टर की मदर, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ठीक है। चलो देखो इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक बार ए दिया है, एक बार बी दिया है, क्लियर है, तो थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, ध्यान से देखो। हैश, हैश का मतलब है डॉटर, हैश का मतलब है डॉटर, ठीक है। इसका मतलब है कि वाई डॉटर है वी की, वाई डॉटर है वी की, क्लियर है। उसके बाद परसेंटेज का मतलब है मदर, तो परसेंटेज का मतलब है मदर, इसका मतलब है डब्लू मदर है वाई की, डब्लू मदर है वाई की, डब्लू मदर है वाई की, इसका मतलब है ये मेल हो गया, क्लियर है। उसके बाद तुम्हारा एंड, एंड का क्या मतलब है भैया, एंड का मतलब है सिस्टर, यानी डब्लू सिस्टर है एक्स की, डब्लू सिस्टर है एक्स की। अब आपको बताना है हाउ वी इज रिलेटेड टू एक्स, तो भैया ये ब्रदर इन लॉ हो गया, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर, ब्रदर इन लॉ इज द राइट आंसर, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए
तो चलिए भाई, ये आज रिकॉर्डेड क्लास थी, और मंडे से आपको फिर से जो है वो लाइव क्लास मिलेगी। किसी कारणवश मैं बाहर हूँ, और जहाँ से मैं लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए कुछ मेडिकल इमरजेंसी की वजह से, ठीक है? तो सभी लोग मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करिए, मंडे को फिर से हम लोग लाइव क्लास में मिलेंगे, ठीक है? अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मेरा कोड याद रखिए, SVikas10 मेरा कोड है, इसे यूज करिए, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, लगातार मेरी क्लासेस में बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।